छत्तीसगढ़ के बस्तर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैली का आगाज कर रहे हैं। पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में वोटिंग होना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजय संकल्प शंखनाद रैली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार जोशीला स्वागत किया। साथ ही रैली को लेकर संगठन की तरफ से भी जबरदस्त तैयारियां की गई थी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर ही दम लूंगा। छत्तीसगढ़ ने मुझे और भाजपा के हमारे हर साथी को अपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी है और आज भी यहां दूर दूर से इतनी विशाल संख्या में आप हमें आशीर्वाद देने आए हैं। मैं उधर रेलिंग के बाहर भी बहुत बड़ी तादाद में चारों तरफ लोगों को देख रहा हूं। आज मैं आपके बीच आया हूं। पिछले 10 साल में देश कहां से कहां पहुंचा है, देश ने कितनी प्रगति की है और उसमें आप सबका जो साथ मिला है, मैं आप सबका आभार व्यक्त करने भी आया हूं। आप लोगों ने यहां सिर्फ भाजपा सरकार ही नहीं बनाई बल्कि विकसित भारत की आधारशिला भी मजबूत की है। आजादी के बाद से कांग्रेस समझती थी कि उसे देश को लूटने का लाइसेंस मिला हुआ है। 2014 में सरकार में आने के बाद मोदी ने कांग्रेस की लूट का लाइसेंस ही कैंसिल कर दिया है और मोदी ये लाइसेंस इसलिए कैंसिल कर पाया क्योंकि आपने मोदी को लाइसेंस दिया था। अब आप बताइए, जब उनकी दुकान बंद हो गई, लूटने का लाइसेंस चला गया, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? तो मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? मेरी रक्षा कौन करेगा? ये मेरे कोटि कोटि देशवासी ही, मेरी माताएं बहनें आज मोदी का रक्षा कवच बन गई है। साथियों, मोदी ने जब हजारों लाखों आदिवासी बहनें भी शामिल हैं, भाई और बहनों, जनजातीय समाज हमेशा भाजपा की प्राथमिकता रही है। जिस आदिवासी समाज का हमेशा कांग्रेस ने तिरस्कार किया, उसी आदिवासी समाज की बेटी आज देश की राष्ट्रपति है। भाजपा ने ही छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया है। भाजपा ने ही आदिवासियों के लिए अलग मंत्रालय, अलग बजट बनाया है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी कल्याण का बजट 5 गुना बढ़ाया गया है। जब कांग्रेस सरकार थी तो पूरे देश में 125 से भी कम एकलव्य आवासीय विद्यालय थे। आज सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही 70 से अधिक एकलव्य विद्यालय है। कांग्रेस की सरकार के दौरान सिर्फ 8-10 वन उपजों पर ही एमएसपी मिलती थी, आज ये संख्या 100 के पास पहुंच रही है। साथियों, आपका सपना, और ये मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। और देश के नाम, हर पल आपके नाम, 24/7 और 2047। साथियों, जिसको किसी ने नहीं पूछा उनको मोदी ने पूछा है।
इसलिए जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए पहली बार कोई योजना बनी है। 24,000 करोड़ रुपए की पीएम जनमन योजना से छत्तीसगढ़ के अनेक जनजातियों का जीवन आसान होने वाला है, हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना, ये मोदी की गारंटी है। भाइयों और बहनों, मोदी आराम करने के लिए नहीं, काम करने के लिए पैदा हुआ है। मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है, मेरा लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है।